और चलिए अब एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। लखनऊ में सपा विधायकों की एक बैठक चल रही है, अखिलेश ने सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई है, तो ये बैठक अभी होने जा रही है। सपा विधायकों की बैठक आज अखिलेश यादव ने सुबह 10 बजे बुलाई है और आज और कल सबको लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद चुनाव पर सपा का मंथन जो है वो चल रहा है इन दिनों। विधान परिषद चुनाव में एमएलए बनेंगे प्रस्तावक, नामांकन पत्र पर विधायक करेंगे हस्ताक्षर, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। विधान परिषद चुनाव में एमएलए जो है वो प्रस्तावक बनेंगे। तो विधान परिषद चुनाव पर अपोजिशन भी मंथन कर रहा है, जबकि बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं विधान परिषद की सीटों का। बहरहाल हम उस खबर पर भी नजर रखेंगे। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन लगने के लिए लाभार्थियों की पहली सूची में गड़बड़ झाला सामने आया है। विभाग ने लाभार्थियों की लिस्ट में मृतक नर्स, रिटायर्ड नर्स और संविदा समाप्त होने वाले डॉक्टर्स का नाम भी शामिल कर दिया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। राजधानी लखनऊ के साथ साथ दूसरे कई राज्यों में भी कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर करीबन शाम 4 बजे कल वैक्सीन पहुंची। इसको रिसीव करने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और स्वास्थ्य महानिदेशक डीएस नेगी स्वयं मौजूद थे। अमेठी में मामूली विवाद में अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास एक पिस्तौल, एक तमंचा, 2 डबल बैरल गन्स और 2 दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही दबंगों ने घर में घुसकर अधेड़ सुरेंद्र पांडे को मौत के घाट उतार दिया था। फतेहपुर की बिंदकी तहसील के खजुआ बीआरसी में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी राजीव गंगवार के ऊपर महिला शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाए। बच्चे की तबियत खराब होने पर महिला शिक्षिका सीएल के लिए कई बार दफ्तर के चक्कर काट चुकी है, लेकिन अधिकारी ने हर बार अकेले में आने की बात करते हुए छुट्टी देने से मना कर दिया। हरदोई में शहर कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया। यहां छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए पिता को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। पीड़ित के परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए अब इंसाफ की गुहार लगाई है। औरैया में राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जन तक पहुंचने के लिए आरएसएस के द्वारा नगर में विशाल रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों बच्चों, महिलाओं और स्वयंसेवकों समेत सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरे से मीडिया से भी वो रूबरू हुए। संजय सिंह ने कहा कि नगर पालिका बिना कोई नोटिस और व्यवस्था किए गुमटी वालों को हटा रही है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए वो प्रदेश के नगर विकास सचिव को विशेषाधिकार का नोटिस भी भेजेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन आनंद भवन के बाहर मनाया। इस दौरान प्रियंका की तस्वीर के सामने केक काटा गया और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।